नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार और आप देख रहे अपनी बायोलॉजी क्लास बचनपाल भाटी कॉलेज की ओर से। बेटा आज की जो क्लास है, आज कई दिन में क्लास हो रही है क्योंकि सैटरडे में भी ऑफ रहा था आपका, संडे में भी ऑफ रहा है कॉलेज, ठीक है। तो आज जो हम करेंगे आपकी बायोलॉजी में जो आपका फर्स्ट जो चैप्टर चल रहा है उसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे पूरी। देखो आपसे पहले हमने क्या पढ़ा है, आपको फिर से रिविजन करते हैं। देखो बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान, जिसको कि आप कहते हो बायोलॉजी। क्या कहते हैं बेटा? बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी पता है ना आपको, अरस्तु। ये बात चीजें कुछ याद रखी जाएंगी, ठीक है। ओके, तो इसमें हमने क्या पढ़ा है कि एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है आर एच वी टेकर। अगर मैं हिंदी में लिखूं बेटा तो आर एच वी टेकर, ठीक है जी। इन्होंने पूरे जो जीव जगत है, पूरे जीव जगत को पांच भागों में बांट दिया था। पहला भाग होता है आपका मोनेरा, दूसरा भाग होता है आपका प्रोटिस्टा, तीसरा भाग है जगत होता है आपका कवक, चौथा भाग है जगत होता है आपका पादप या पौधे जो बोलते हैं आप, और आखिरी जो होता है वह था आपका जंतु जगत होता है बेटा, ठीक है। तो मोनेरा को पढ़ रहे थे भैया, और मोनेरा में हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि इसके कुछ उदाहरण थे जैसे जीवाणु, ये पूरा हो चुका है। इसी के साथ हमने क्या पढ़ा था, माइकोप्लाज्मा, ये हम पूरा कवर कर चुके हैं, आपको कुछ कुछ चीजें याद आ रही होंगी, ठीक है। इसके बाद में आपका कौन सा था, एक्टिनोमाइसिटीज, ये भी आपको याद आ रहा होगा बेटा, ठीक है। इसके अलावा हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, साइनोबैक्टीरिया, ये भी आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमने अब तक पढ़ चुके हैं। अब बेटा आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम, इसमें नया हेडिंग एक, वो क्या है, आर की बैक्टीरिया। देखो इसको आपने नए पेज से लिखना है, क्यों, क्योंकि ये इन सबसे अलग है। जो ये सारे जीवाणु से लेके माइक्रो ये हैं, ये सारे कैसे हैं, इन्हें कहते हैं हम अदर, दूसरी भाषा में कहते हैं यू बैक्टीरिया भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं बेटा, यहां लिख रहा हूं मैं, यू बैक्टीरिया कहते हैं। और आर की बैक्टीरिया क्या, आर की माने होता है बहुत पुराना, प्राचीन समय का, प्राचीन मतलब सबसे पहले। तो इसमें क्या लिखेंगे, इन्हें हम आद जीवाणु भी कहते हैं, आद माने बहुत पुराने, आद जीवाणु कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये कैसे होते हैं, ये विशेष प्रकार के ना प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। ये कहाँ मिलते हैं, जो कि समुद्र के नीचे बहुत गहराई में, जहाँ बहुत ज्यादा दबाव होता है पानी का, वहां पर मिल सकते हैं आपको। इसके अलावा ये लवण युक्त झीलों में, लवण मतलब नमक वगैरह जो होते हैं ना, लवण युक्त ऐसी झीलों में मिल जाएंगे आसानी से, ठीक है। और जहाँ बहुत ज्यादा गर्म जल के स्रोत होते हैं, गर्म जल के स्रोतों में मिल जाएंगे आपको, स्रोतों में। और साथ ही साथ जैसे कि आपकी जहाँ पे रसायन वगैरह होते हैं, जैसे कि सल्फर इत्यादि के जो झरने होते हैं, वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएंगे, सल्फर के स्रोत जो होते हैं वहाँ पे मिल जाएंगे। देखो मैंने कहा था ना कि भैया आप इसे गर्म करते हैं किसी भी पानी को, तो वह उसके अंदर वह पीने योग्य हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया जो होता है जीवाणु वह मर जाता है। तो ये सारी बात हो रही थी आपके इन जीवाणु के विषय में। अगर हम जीवाणु का ही प्रकार देखें तो जीवाणु जो है यू बैक्टीरिया, ये आसानी से तो पैदा हो जाते हैं आपके खाने में, आपके पेट में हर जगह, लेकिन आसानी से ये खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आर की बैक्टीरिया यानी कि आद जीवाणु की, तो ये कहाँ मिलते हैं, समुद्र मिलेंगे, लवण झीलों में, जहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा वहां मिलेंगे। मतलब कि ये जो जीवाणु या बैक्टीरिया है ये आसानी से नहीं मरते, मतलब ये पैदा ही ऐसे के होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर हो, बहुत ज्यादा तापमान हो, बहुत ज्यादा दबाव हो, ठीक है जी। तो इसी की बात चलेंगे, तो हम क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे सबसे पहले आर की बैक्टीरिया के प्रकार। छोटा सा टॉपिक है बेटा, आज ही खत्म कर देंगे आर की बैक्टीरिया के प्रकार। तो इनके एक तो आवास की प्रकृति पर, आवास की मतलब आवासीय, ये जहां पर रहते हैं उसके आधार पर, तथा इसके अलावा
उपापचयी क्रियाओं के आधार पर, उपापचयी क्रियाओं, उपापचयी क्रियाओं के आधार पर हम इनको तीन प्रकार, तीन भागों में बांट सकते हैं, तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग कौन सा है? मैथेनोजन। मैथेनोजन जीवाणु, या हम कहेंगे मैथेनोजन लिख लो, केवल इतना ही सफिशियंट आपके लिए। मैथेनोजन क्या हो गया? सिंपल आपको मीथेन की इसमें नाम दिख रहा है, मतलब ये ऐसे जीवाणु होते हैं जो कि मीथेन गैस को बनाएंगे या प्रोड्यूस करेंगे। समझ पाए मेरी बात को? ठीक है, तो ये कहाँ मिलते हैं? ये सामान्यतः एवाईवी है। एवाईवी का मतलब क्या हो गया बेटा? जहाँ पे वायु ना हो, मतलब जहाँ पे O2 नहीं हो। इसके अलावा दलदल में, दलदल में मिल जाएंगे आपको, कच्छ मिल जाएंगे। कच्छ क्या होता है? लवणयुक्त स्थान, जैसे गुजरात का कच्छ देखा है आपने, जहाँ पर बहुत ज़्यादा नमक रह पड़ा रहता है, वहाँ बंजर जमीन होती है, ना कुछ पैदा होती है, ना पेड़ पौधे होते हैं, ना कोई जीव होता है, तो उसे कच्छ बोलते हैं बेटा। ठीक है, और जंतुओं की आहार नाले मिल जाएंगे आपको। सर जंतुओं की आहार नाल मतलब जैसे कि आपके जंतु, जैसे गाय भैंस है ना, ये इन्हें रूमिनेंट्स कहते हैं, इनको गाय भैंस को हम क्या कहते हैं? रूमिनेंट्स कहते हैं। यानी कि ऐसे जंतु जो शाकाहारी भोजन करते हैं उनको रूमिनेंट्स कहा जाता है। RUMENINATS, ये थोड़ी आगे की बात है, पर सुन लो एक बार। तो उनकी जो आहार नाल होती है उसके अंदर आपको मेथेनोजेंस बैक्टीरिया मिल जाते हैं। देखो बेटा गौर करो थोड़ा सा, जो आपके यहाँ गोबर गैस बनाई जाती है, जो किसानों गोबर गैस बनाते हैं, वो क्या करते हैं? वो भैया एक गड्ढा इकट्ठा करते हैं और उस गड्ढे में जो आपके घर का कूड़ा कचरा प्लस जो आपकी जो ये भैंस वगैरह होती हैं, ढोर पोहे, इनका जो गोबर होता है उसको पानी में घोल के डाल देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको पता है कि जंतुओं के आहार नाल में मेथेनोजन बैक्टीरिया है, और ये क्या करेगा, ये गोबर के साथ बाहर निकलता है, गोबर में मेथेनोजन बैक्टीरिया होता है, तब इसमें से स्मेल आती रहती है, और उस गोबर को जब आप किसी जगह डाल के उसे बंद कर दोगे तो मेथेनोजन बैक्टीरिया की वजह से वहाँ पे मेथेन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी, मेथेन गैस बन जाएगी। और जब ये मेथेन गैस बन जाएगी तो उसको हम एक पाइप के द्वारा बाहर जोड़कर उसको गोबर गैस के रूप में यूज करते हैं, अपने घर में खाना पकाने में या किसी अन्य काम में इसको आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। तो क्या हुआ, हमने पढ़ा मेथेनोजन बैक्टीरिया क्या होता है कि भैया जो जंतु शाकाहारी होते हैं अधिकतर उनकी आहार नाल में सहजीवी के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा एवाईवी स्थानों में मिलेगा, दलदल मिलेगा, कच्छे मिलेगा, इस तरीके से मिल सकता है। ठीक है, अगर हम दूसरा प्रकार देखें इसके बाद में, मेथेनोजन के बाद में, यह है बेटा आपके लवण रागी। लवण रागी, देखो नाम देखो, लवण माने नमक हो गया, रागी माने प्यार करने वाला, यानी कि यह कहाँ रहेगा? जहाँ पे लवण रहता हो, जहाँ नमक हो, जैसे कि लवणीय झीलों, नमक की झील जो होती है जिनमें खारा पानी रहता है, लवणीय झीलों में मिल जाएगा आसानी से। कच्छ में तो मिलेगा मिलेगा, जहाँ बहुत सारा नमक पड़ा है, ठीक है, और वो इसी स्थान में मिलेगा, ठीक है ना। बहुत से लवण रागी जो जीव, ये आदि बैक्टीरिया जो होते हैं, आर की बैक्टीरिया, ये भैया 110 डिग्री सेल्सियस ताप को भी सहन कर सकते हैं। देखा, नोट करने वाली बात है आपकी, ये कुछ लवण रागी जीवाणु जो होते हैं 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर भी जिंदा रह सकते हैं। ठीक है जी, समझ पाए? अच्छा, इसका लिखो एग्जाम्पल, उदाहरण मेथेनोजन का एग्जाम्पल क्या है बेटा? मेथेनोबैक्टेरिया लिख दो, मेथेनोकोकस लिख दो, मेथेनोबैसिलस लिख दो, एक ही बात है, कुछ भी लिख दीजिए, सिर्फ मेथेनोकोकस, मेथेनोबैसिलस, मेथेनोबैक्टीरिया, कुछ भी लिख दो। ऐसी इसका लवण रागी का एग्जाम्पल क्या लिखेंगे आप? हेलोबैक्टीरियम, हेलोकोकस, हेलो बैक्टीरियम लिख दो बेटा, हेलो बैक्टीरियम या हेलो कोकस। हेलो वर्ड कहाँ से आया? लवण रागी बोलते हैं हेलोफाइल्स, इसलिए हेलोफाइल्स से आप लिख लो, लवण रागी या हेलो फाइल्स, आप ऐसे लिखेंगे ना तो सही रहेगा। मैं आपको नोट्स की पिक भेज दूंगा बेटा आपकी फोटो खींच के। तो हेलो फाइल्स का एग्जांपल हेलो बैक्टीरिया, हेलो कोकस, ठीक है जी। इसके अलावा एक चीज और रही लास्ट आपकी, इधर चलते हैं, नंबर तीसरा जो है वो है बेटा थर्मो एसिडो फिलस, यानी नाम से देखो थर्मो माने टेम्परेचर, एसिडो माने एसिड अम्ल की बात हो रही है ना। फाइल्स या फिलस, फाइल्स लिख लो कोई बात नहीं, एक ही बात है, यानी कि रागी होते हैं। यानी कि ऐसे जीवाणु कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ पे गर्म जल हो, साथ में अम्लीय हो, अम्लीय अति अम्लीय हो, तो यहाँ पर ये आपको थर्मो एसिडो फाइल्स जीवाणु पाए जाएंगे।
जैसे कि गर्म सल्फर के जल स्रोत जो होते हैं। बेटा कभी उत्तराखंड जाओ ना घूमने, तो पहाड़ों में कहीं कहीं पे ना गंधक का पानी निकलता है सल्फर का, वहाँ पे लोग नहाते हैं, जिससे कि बॉडी की जो खुजली वगैरह होती है वो सारे बैक्टीरिया फंगस खत्म हो जाता है। तो इसी प्रकार से ना बहुत सारे गर्म जल निकल, जैसे कि बद्रीनाथ जाओ तो वहाँ गर्म जल का कुंड है, तो वहाँ पे गर्म पानी निकलता है, वो अम्लीय भी होता है। तो वहाँ पे ये क्या होता है कि ये इसमें जीवाणु पाए जाते हैं जिनको हम थर्मो एसिडोफाइल्स या उष्ण अम्ल रागी क्या बोलेंगे हिंदी में, उष्ण, उष्ण माने गर्म होता है, अम्ल माने एसिड होता है, और रागी माने प्यार करने वाला, उष्ण अम्ल रागी होता है। तो ये कहाँ लगभग 80 डिग्री सेल्सियस पर, और पीएच इनका 2 होगा, तो कितना अम्लीय होगा, कुल पीएच 2 है, यहाँ पर भी अपने आप को ये जीवित रख सकते हैं। ठीक है जी, उदाहरण लिख लो इसका थर्मोएसिडोफाइल्स जीवाणु का, इसका लिख लो भैया सल्फोबोलस, सल्फोबोलस। ठीक है, मैं आपको पिक भेज दूंगा बेटा, यहाँ पे आपका ये जो मोनेरा है ये फिनिश हो गया। अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो को बार बार देखना, समझ जाएंगे। थैंक यू।